दबंगों द्वारा नष्ट की गई विधवा महिला की सरसों की खेती मुरादाबाद से सामने आया है, जहां निवासी एक विधवा महिला की सरसों की फसल कुछ दबंगों द्वारा नष्ट कर दी गई। पीड़िता ने मामले को शिकायत एसएसपी मुरादाबाद से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल मामला छजलेट थाना क्षेत्र के मलपुर खया गांव से जुड़ा है। यहां की रहने वाली सुचेता के पति की 2001 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद महिला ने 2009 अपने पति के हिस्से की जमीन अपने बेटे के नाम करा दी। इसके बावजूद भी महिला के जेठ व उनके परिजनों ने महिला को उसकी ही जमीन पर काबिज नहीं होने दिया। विधवा महिला ने मामले को लेकर न्यायालय की शरण ली, जहां से 2015 में महिला को जमीन पर कब्जा दिला दिया गया। उसके बाद से महिला जैसे तैसे अपनी जमीन में फसल उगाने की कोशिश करती है। महिला का आरोप है कि विजेंद्र खिलेंद्र नरेंद्र पुत्रगण राजपाल निवासी मलहपुर खया महिला की फसल को नष्ट कर देते हैं, और जब भी महिला अपने खेतों को देखने जाती है तो ये लोग मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। विधवा महिला सुचेता पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव जेबड़ा की रहने वाली है। महिला की शादी वर्ष 1999 में मलहपुर खया निवासी जितेंद्र पुत्र राजपाल के साथ हुई थी। शादी के 3 वर्ष बाद ही महिला के पति की बिजली के कर्ट लगने से मौत हो गई थी। इसी बीच महिला ने एक पुत्री व एक पुत्र को जन्म दिया, जिनमें पुत्री का नाम निकिता, निक्की पुत्र का नाम जगमेंद्र सिंह है। महिला ने आरोप लगाया है कि पति जितेंद्र की मौत के जिम्मेदार विजेंद्र खिलेंद्र नरेंद्र व इनके बहनों सतेंद्र उर्फ बबलू निवासी वाजिदपुर हैं। इन लोगों ने ही जमीन के लालच में पति जितेंद्र की हत्या की साजिश रची थी। 2001 में पति की मौत के बाद विधवा महिला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। अरे यही है, पहले उन्होंने जो मेरे हस्बैंड को मार दिया जमीन के ऊपर, उसके बाद हमें घर से बच्चों को निकाल दिया, ना हमें मकान दिया ना कुछ दिया है। जब से लेकर आज मारपीट करते रहते हैं, और जो हमें 7 साल से अपनी जमीन जोत रही है, हर साल मेरी फसल को नष्ट कर देते हैं। सर मैं अपने खेत पर गई थी तो उन लोगों ने मेरे खेत पर जो 750 है 750 बीघे मेरी सरसों है और पकी हुई थी, उसका स्प्रे मार दिया, नष्ट कर दिया। मैं एसएसपी साहब पे गई, वो मेरी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि तुम थाने जाओ, थाने गई तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एसडीएम साहब से मिली, बोले हमें एफआईआर दर्ज कर लेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर मेरे साथ में दोबारा गई अपने खेत में, उन लोगों ने मेरा घेराव किया। उसके अगले दिन गई मैं 8 तारीख में, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। उसके संबंध में आपने प्रार्थना पत्र दिया है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्या कोई किसी की गिरफ्तारी अभी तक? कुछ नहीं हुआ सर, किसी की भी अब गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कह रहे हैं हमारे यहाँ से न्याय नहीं मिलता है। मैंने कहा सर हमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, बोला हमारे यहाँ न्याय नहीं मिलता। जी अब तो आप क्या जा रहे हैं? हम ये जा रहे हैं हमें न्याय मिलेगा।